Yes, good morning everyone. Students, good morning. Yes. कैसे हैं आप सभी बच्चे? सुजेता, yes beta, good morning everyone. Yes, yesterday I taught you Cuba missile crisis, right? Huh? And today the two topics is, first is what is the Cold War and second is emerge, right? Second is the merging of the two power blocks, right? हाँ जी रूप, आप भी आ गए बेटा? हाँ नमस्कार बच्चे. यस यस मेरे प्यारे बच्चों, आज मोदी जी का, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण आया, उसमें हमें बताया गया कि 3 मई तक आगे बढ़ा दिया गया है. यस, तो हमें बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए और हमें अपने नेशन के लिए आगे काम करना चाहिए, चाहे वो हम किसी तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं. और मेरे प्यारे बच्चों, से हेल्प कैसे हो सकती है? आप अपने अच्छे से स्टडी कीजिए, घर में ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उन पे फोकस कीजिए, ऑनलाइन स्टडी कीजिए, बुक्स अपने पढ़िए, अच्छे से मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, राइट? ठीक है ना बेटा? यही हमारे मतलब आप जो ये हमारे जो स्टूडेंट्स यूथ हैं उनके लिए फ़ायदा हो सकता है हमारे लिए, राइट? इन्वेंशन कीजिए, नए नए रिसर्च कीजिए, नई चीज़ें सर्च करके लेकर आइए, ताकि हम जब देखें, जब स्कूल खुले तो हमें पता लगे कि हमारे बच्चे भी इतने स्मार्ट, इतने बड़े लीडरशिप, राइट? सो जब स्कूल खुलेंगे तब हम आपको देखेंगे कि कितने इन्वेंशन किए हैं आप लोगों ने. यस यस शालीमार बाग, हाँ जी, चलो लेट्स का. हाँ मुझे पता था रूप, आपकी यही यही चीज़ें सुनने को मिले, यही जो आपने लिखा है. आप अपनी स्टडी कीजिए कॉलेज की, राइट? गुड स्टूडेंट रहे हैं हमारे रूप, बहुत अच्छा रहा है मेरा बच्चा, और 12th की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहेंगी इनकी, ठीक है? चलिए लेट्स कम, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा. व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर? देखिए मैं बुक में इसलिए दिखा रही हूँ, आप लोगों के पास बुक नहीं होगी, फिर भी मैंने कल भी आपसे कहा था कि डाउनलोड आप कर लीजिए तो आपको हेल्प मिल सकती है, राइट? तो आप, और मैं कुछ चीज़ें नोट्स आपको मतलब लाइट हाईलाइट कराऊंगी, तो उसे आप देखिए बेटा. चौधरी बेटा, ये एक्चुअली नेटवर्क में यहाँ पर दिक्कत आती है, जहाँ मतलब मेरा घर है, तो ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ मुझे फेस करनी पड़ती है, इसलिए थैंक यू सो मच चौधरी. और नेटवर्क का प्रॉब्लम है बेटा यहाँ पर. चलिए जब भी आएँ और अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखें, फाइन, लेट्स कम. सी हम व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी डेफिनेशन आपको देना चाहूँगी. लास्ट क्लास में बच्चे पूछ रहे थे कि कोल्ड वॉर, मैंने कहा नहीं, अभी कोल्ड वॉर की बात करेंगे. जो सिचुएशन जो कोल्ड वॉर की बन रही है वो क्यों, कौन कौन सी थी? तो जो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम थी वो ये था, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, राइट? सो ये भी कोल्ड वॉर का टेंशन था. तो अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको देना चाहूँगी. डेफिनेशन बेटा ये है कोल्ड वॉर की, द कोल्ड वॉर अ पीरियड ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल मिलिट्री टेंशन बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर फ्रॉम 1945 टू 1991. दिस बैटल ऑफ द आइडियोलॉजी रिजल्ट इन द इंक्रीज नेशनल सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक टेंशन एंड प्रॉक्सी वॉर बिटवीन द टू सुपर पावर, राइट? सुपर पावर नेशन कह सकते हैं हम, सुपर पावर, पावरफुल नेशन, सुपर पावर, राइट, कंसीडर कर सकते हैं. ओ थैंक यू चौधरी, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चे,
थैंक यू सो मच इतने इतनी तारीफ करने का, बट तारीफ तब मानी जाएगी बेटा जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको आप ऐसे कर सकते हैं, जितने बच्चे सारे ये ऑनलाइन आ रहे हैं, जो जो मैं आपको बताती जा रही हूँ वो मुझे जैसे आप मैसेज में लिखते हैं उनका आंसर आप अगर लिखें तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दे पा रहे हैं, राइट फाइन। तो आप सभी को मुझे जहाँ तक लगता है कि कोल्ड वॉर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और मैंने बहुत धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करी है और चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सी तो कोल्ड वॉर के बारे में डेफिनेशन हम जान चुके हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री, ये अपनी ये सब बड़ा, और आइडियोलॉजी बेस सबसे इम्पॉर्टेंट है, आइडियोलॉजी बैटल था ये, बैटल ऑफ आइडियोलॉजी, राइट। तो कैसा आइडियोलॉजी दोनों के बीच में, मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया, वो बनाया है डायग्राम, तो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ मेरे बच्चे। सी ये रहा, यस मैम आप सच में अच्छा टीचर, ओ रितिक थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, आज बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, क्या बात है। आप लोगों ने सोचा है कि मोदी जी ने तीन तारीख तक बढ़ा दिया, तो चलो टीचर्स की तारीफ कर दी जाए। हाँ कोल्ड वॉर किस ईयर में हुआ था, 19 देखिए सेकेंड, अब मैं चलो यहाँ किसने पूछा है ये, हाँ देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैं आपको बता चुकी हूँ, आई टॉट यू कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो सिचुएशन नहीं था लेकिन नहीं हुआ लेकिन सिचुएशन जो बन रही थी, तो दिस इज कोल्ड वॉर, इसको कहते हैं हम कोल्ड वॉर, यही कोल्ड वॉर के बारे में डेफिनेशन। और बेटा ये जो ईयर आपने पूछा किसी बच्चे ने, तो 1945 टू, मैंने अभी डेफिनेशन में भी बताया था शायद आपने ठीक से सुना नहीं, 1945 टू 1991 में ये यहाँ से सिचुएशन स्टार्ट होती है। यस दिस इज पॉलिटिकल साइंस क्लास। तो कोल्ड वॉर आइडियोलॉजी टू बिटवीन द टू कंट्रीज, राइट, तो विच का कंट्री, द यूएसए एंड यूएसएसआर, राइट। तो यूएसए की आइडियोलॉजी थी बेटा ये थी कैपिटलिज्म, एंड यूएसएसआर की है आइडियोलॉजी कम्युनिज्म, ठीक है। एंड ये मैं नाटो और वार्सा पैक बाद में समझाऊंगी, मैंने थोड़ा डायग्राम इसलिए बना लिया था। अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो सिचुएशन बनी थी वो वॉर तो नहीं हुआ था, बट कंडीशन ऐसी थी, जैसे मैंने आपको कल आपको बता रही थी कि जो हमने क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो हमने देखा, तो उसमें ये भी एक कंडीशन, एक सिचुएशन थी बेटा वॉर की। तो वॉर ना हो आइडियोलॉजी बेस पे ही ये काम हो रहे थे, तो इसलिए थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, बस ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं इस पैराग्राफ में, आप बुक अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, मैं बार बार वही चीज़ें बता रही हूँ। तो यहाँ से हम सब देखेंगे कि ये पैराग्राफ में, क्योंकि जब बेटा मैं पढ़ाने चलती हूँ ना तो बहुत आगे पीछे का बहुत बोलना शुरू कर देती हूँ, इसलिए अब मैंने सोचा है कि जो आपके एनसीईआरटी में है और कुछ चीज़ें जो ऐड करनी है वो मैं आपको बताती रहूँगी, राइट। सी व्हाट इज़ कोल्ड वॉर के बारे में हम बात कर चुके हैं, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिचुएशन शुरू होती है, यहाँ आपका बिल्कुल मेंशन है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और लिखा हुआ भी है कि 1945 में ये जो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ। एंड देन क्या हुआ था बेटा कि पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा विश्व जो है दो ब्लॉक्स में बट गया था, एक मैंने आपको बताया यूएसए और एक यूएसएसआर, राइट। सो इससे पहले एक और कंडीशन थी, मैं आपको जैसे एक्सिस, हमारे पूरा वर्ल्ड जो है एक्सिस पावर और एलाइड पावर, ये दो ग्रुप्स थे, ठीक है। तो उसमें जैसे ये लिखा हुआ है एलाइड पावर, जिसमें यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और ठीक है ये थे, और एक्सिस पावर में थे आपके, एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है ये। बट एंडिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म हुआ था 1939 टू 45 तक, ठीक है। तो ये जो टू ब्लॉक्स थे, टू पावर्स, मतलब वर्ल्ड जो हमारा टू उसमें बट गया था, तो फिर इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जब स्टॉप हुआ, ख़त्म कर दिया गया कि नहीं अब ज़्यादा नुकसान नहीं झेलते हैं, बहुत नुकसान हो गया है, जान मान हानि और ये सब कुछ बहुत प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से ये रोका गया, राइट। जब मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो नुकसान है, उस जो हम यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, यूएनओ पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगी, अभी जो सुपर पावर की बातें हो रही हैं हम पहले यहाँ ध्यान देते हैं, राइट। सो ये कंडीशन थी, और दो ग्रुप्स एक्सिस पावर और एलीट पावर मैं आपको बता चुकी हूँ। तो एक थर्ड और वर्ल्ड था जो, जिसको हम नॉर्थ ये कहते हैं, जो
एशियन जो नॉन अलाइनमेंट जिसको हम कहेंगे वो हम बाद में बात करते हैं। पहले फिर यहाँ पर से आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड, यह पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोका गया और जो साउथ और ईस्ट एशियन जैसे चाइना है और जो वर्मा जो म्यांमार आज जो कहते हैं और ये इंडिया, तो इन कंट्रीज़ ने एक अलग ब्लॉक बनाने की कोशिश करी क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि इन फिर दोबारा से हम इन सुपर पावर्स के साथ मिलने से और कहीं वॉर वगैरह का खतरा बढ़ ना जाए। और एक और मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम देखें तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो बेसिकली एंड अगर हम कहें तो एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो एंड होता है वो अगस्त 1945 में जो अमेरिका ने जापान के ऊपर बॉम्ब्स गिरे थे जैसे हिरोशिमा और नागासाकी। और देखो बेटा क्वेश्चन वन मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे यहाँ से कर क्वेश्चन बनेगा तो अमेरिका ने जापान के किन स्टेट्स पर बॉम्ब्स डाले, वो हिरोशिमा और नागासाकी बोल सकते हैं। फिर वो पूछ सकते हैं कि और हिरोशिमा और नागासाकी कौन सी कंट्री के स्टेट्स हैं, तो आप जापान का आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से एक एक मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ से राइट। और फिर ये भी एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पे कौन से बॉम्ब्स थे जिनका नाम है एक फैट मैन और दूसरा बताओ, फैट मैन और ध्रुव हैं क्या लाइन पर? हाँ ध्रुव है, बताओ फैट, आप तो पढ़ चुके हो बेटा, फैट मैन एंड लिटिल बॉय राइट, सी लिटिल बॉय एंड फैट मैन राइट। तो ये दो नाम थे तो ये भी वन मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ एक और मैं एक स्टोरी यहाँ बताना चाहती हूँ बेटा कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जैसे ही हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक किया जापान ने बॉम्ब डाले, और मैं बताऊँ बेटा आज भी इफेक्टिव हैं वहाँ पर जो लोग हैं, 1945 में डाला, 2020 है, तो वेरी गुड, थैंक यू लिटिल बॉय, बहुत देर में जवाब दिए हैं रूप आप। तो जापान के ऊपर जो डाला आज तक बच्चे वहाँ के लोग अभी अभी आज तक इफ़ेक्टिव हैं वहाँ पर, इतनी मतलब ख़तरनाक होता है ये बॉम्ब वगैरह। आज देखिए ना अगर ये जब सभी कंट्रीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ कि न्यूक्लियर वेपन्स पर आजकल इतना फोकस इन्होंने किया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और कि भाई हम बॉम्ब्स बनाएं, हम न्यूक्लियर पावरफुल हो जाएं, सभी कंट्रीज़ ही भाग दौड़ में लगी हुई थी, ठीक है। आज अगर हम ये कोरोना वायरस जैसी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए आज अगर पहले से ही दवाइयां बना के रखते जो कि हमें आज किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और आप कुछ है ना, आज मोदी जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारे साइंटिस्ट युवा हैं वो बाहर आएं और कुछ ऐसी दवा मतलब ये कोरोना ये इसको कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए कुछ दवाइयां बनाएं ताकि इसको बीमारी को हम ख़त्म कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं दिव्यांशी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल कर दिया आइडियोलॉजी ने। हाँ ओके अमन, मैं अभी बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ, पर अमन आपको मैं सभी मतलब आपको स्पेशल क्योंकि आप लेट आए हैं तो आपने मिस कर दिया है, तो मैं आपको एक ही बात पे तब बताऊँगी क्योंकि मैं बच्चों के सामने कंडीशन रखती हूँ, बहुत डेंजर टीचर हूँ एक्चुअली। कोल्ड वॉर मैं तभी समझाऊंगी जब अमन मुझे आंसर लिख कर देंगे, मैं आपको बताऊंगी डेफिनेशन, आपको बताऊंगी डेफिनेटली, आप मेरा जो मैं बोल रही हूँ वो भी आप लिख सकते हैं लेकिन आपको आंसर लिखना पड़ेगा, यस करो पहले तब मैं आपको आंसर बताऊंगी राइट। ओके फाइन मैं बताती हूँ, एक मिनट पहले मैं जो बोल रही थी कंटिन्यू उसको बोलना चाहूंगी है ना, फिर मैं बताती हूँ। तो मोदी जी की बात हमने यहाँ समाप्त की, तो अच्छा मेरे पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं तो साइंस तो है पीछे लगा हुआ है, तो अगर आप लोग अगर दवाई बना सकते हैं तो बनाइए। नहीं 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 मेरे तो आप लोग राजनीति कीजिए बस, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट आप दवाई बनाने मत बैठ जाना। चलिए चलो ये तो बच्चों थोड़ा थोड़ा बीच में मजाक भी करते रहना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो कहेंगे मैम बहुत पढ़ाती हैं राइट। सी अब हम बात कर रहे थे कि
सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ही जो एंड था वो जापान पे जब अटैक किया तो समझ में आ गया कि भी हाँ ये अटैक जो था लास्ट वो था. लेकिन एक और चीज़ बहुत सारे जो थिंकर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि जापान तो ऑलरेडी अपने आप को सरेंडर करना चाहता था, आत्मसमर्पण करना चाहता था, लेकिन क्यों अमेरिका ने बॉम्ब डाला यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी पे? क्यों? क्योंकि वो अपनी सुपर पावर दिखाना चाहता था, राइट? क्योंकि वॉर का एंड तो ऑलरेडी हो ही चुका था ना. हाँ, यस. अरे वाह, मेरा रूप ये है, मेरा प्यारा बच्चा. थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चे. वेरी गुड, वेरी गुड. अरे वाह, यस, यू आर स्मार्ट माय स्टूडेंट. अमन, देखो रूप ने भी लिखा है, आप कमेंट्स में देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इसने कैपिटलिज्म मीन्स इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन विच इज़ द कंट्रीज ट्रेड एंड वेरी गुड, बहुत बढ़िया. फिर भी हम ऐसे करते हैं, हम यस, और देन उसके बाद चलिए अमन मैं एक और आपको बता सकती हूँ. हाँ बिल्कुल नविता, बिल्कुल इकोनॉमी ख़राब हो गई थी जापान की, क्योंकि ऐसा देखिए, अब आपको क्या लगता है ये कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी ख़राब नहीं होगी? होगी. आप, मैं एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, एज अ पॉलिटिकल साइंस टीचर, मैं तो ये मानती हूँ कि आज जो ये कोरोना वायरस चल रहा है, ये बीमारी नहीं है, ये वॉर चल रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ये सिचुएशन ही ऐसी बन रही है क्योंकि इकोनॉमी ठप होने वाली है. और भी हमारे देखिए, हम स्टडी सब बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जितना भी हमारे सेक्टर हैं वो वीक होने वाले हैं क्योंकि कंडीशन ही ऐसी बन गई है. हम पूरे, और ये हमारे, मैं तो ये कहती हूँ कि ये हमें लेसन लर्न करवाया जा रहा है कि देखिए कि हमें सिक्योर होना पड़े. और मेरे बच्चों, आप लोग तो इतने स्मार्ट यूथ हो, आप अपने देखो कंडीशन, अभी तो आप छोटे हैं, तो आप अभी देखिए कि आपको अपना देश कैसे चलाना है. हमें पहले से ही कैसे इसको सिचुएशंस को ख़त्म कर, मतलब जो आगे अगर प्रॉब्लम आती है लाइफ में, मतलब उसके लिए हम कैसे करें, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट, बिल्कुल सही कह रही हो दिव्यांशी. अमन, मैं आपके लिए है ये डेफिनेशन ऑफ द कोल्ड वॉर. द कोल्ड वॉर आ पीरियड ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री टेंशन बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर फ्रॉम 1945 टू 1991. दिस बैटल ऑफ द आइडियोलॉजी रिजल्ट इन द इंक्रीज नेशनल सिक्योरिटी डिप्लोमेसी टेंशन एंड प्रॉक्सी वॉर बिटवीन द टू पावरफुल नेशन, राइट? हाँ, तो यहाँ पर हमने देखा, ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसे जापान के ऊपर, ठीक है अमन, डिड यू अंडरस्टैंड, राइट? चलिए अब नेक्स्ट देखो बेटा, मैं यहाँ पर आपको बता रही थी कि कैसे जापान, और बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया अमेरिका का कि भी आपने कि क्यों क्यों बॉम्ब्स गिराए, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी जापान जो है अपने आप को सरेंडर करने वाला था, तो आपने नहीं. बट अमेरिका का तो एक था ना, एक और पॉइंट ये था कि मैं अपने आप को वर्ल्ड में सुपर पावर दिखाना चाहता हूँ, तो वो इस रिजल्ट में वो सक्सेसफुल भी रहा, राइट? ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है ना. नेक्स्ट करें, ठीक है बेटा. और देखिए ये आपके ना एनसीईआरटी में कुछ पिक्चर्स भी दी गई हैं, देखिए आप, मैं आपको दिखाती हूँ, ये है ना, देखिए यहाँ पर ये पिक्चर्स जो हैं वो ये यूएस उसकी हैं, जापान की हैं, कि कितना नुकसान पहुँचा था. आप ये तो इसमें ब्लैक एंड वाइट है आपके एनसीईआरटी में, आप नेट पर भी डाल के देख सकती हैं. अमन, ये बहुत ईजी डेफिनेशन थी बेटा, रूप बहुत, देखिए एक मेरे स्टूडेंट ने भी डाली है डेफिनेशन, एक वो भी देख सकते हैं, और मैंने बहुत इजी डेफिनेशन है. इसमें क्या बात है बेटा, द कोल्ड वॉर इज़ अ पीरियड ऑफ इकोनॉमी, मतलब मैं आपको हिंदी में भी बता सकती हूँ. अमन देखिए बेटा, द कोल्ड वॉर पीरियड ऑफ इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिकली पॉलिटिकली और मिलिट्री टेंशन था सभी को चीज़ों को किन किन के बीच में था, तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में. और कौन सा टाइम पीरियड था वो, 1945 टू 1991 में, राइट? और दो
बैटल आइडियोलॉजी थी, मतलब दो विचारधाराओं का युद्ध था, राइट। दो विचारधाराओं का कैसा युद्ध कि भाई अपनी हम इंटरनेशनल सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाएं, राइट। मतलब मैं अपने देश की सुरक्षा को कैसे बढ़ाऊं, डिप्लोमेसी को कैसे बढ़ाऊं, है ना। डिप्लोमेसी टेंशन था कि कैसे दूसरों के साथ कूटनीति बना सकते हैं, और ये प्रॉक्सी वॉर था कि नहीं तो वॉर हो, मतलब वॉर की तो सिचुएशन थी लेकिन वॉर नहीं हो रहा था, तो दैट मीन्स द प्रॉक्सी वॉर, है ना। और किसके, दो सुपर पावर कंट्री, मतलब पूरे विश्व में दोनों ही पागल हो रही थी ये कंट्रियां कि ना जी हम तो सुपर पावर हैं, नहीं जी हम हैं सुपर पावर। तो इसी होड़ में बहुत सारे वेपन्स बना लिए, और एक वेपन बना, हथियार इतनी ज्यादा संख्या में बढ़ाते बढ़ाते एक दिन ऐसा आया कि 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, राइट। वो अपने ही कारण हुआ, हाँ। तो जैसे आज का एग्जांपल देती हूँ, करंट एग्जांपल देती हूँ कि सब लोग मतलब जैसे यूएसए ने बहुत बड़ी गलती की जब ये कोरोना वायरस बढ़ रहा था, तो उनको मालूम था कि कोरोना वायरस एक बहुत महामारी, बहुत डेंजर बीमारी है, इसको बढ़ने से हम रोक सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने सिटीजन्स को वो रोकने का ऑर्डर नहीं दिया। तो और आज इटली में, और सेम बात इटली में भी यही हुआ कि उन्होंने, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, उनके लीडर्स ने ये डिसीजन नहीं लिया कि टाइम टू, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी ने एक बिल्कुल टाइम पीरियड में बोला गया कि भी इसको रोका जाए, राइट। तो ये चीज़ है बेटा, तो ये बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पर सिचुएशन को संभालना। तो सेम थिंक कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, उस समय ये जो सुपर पावर अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रही थी, तो वो यही मेन कारण था कि इतना सुपर पावर बनाने में, अपने अपने वेपन्स को स्ट्रॉन्ग करने में इतना टाइम लग रहा। हाँ, वहाँ यूएसए ने बहुत स्मार्टली वर्क किया, वो ये किया था कि वो अपनी मिलिट्री के साथ साथ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को भी बढ़ा रहा था, राइट। सो यहाँ पर हम अप्रिशिएट कर सकते हैं अमेरिका को, अमेरिका अपनी मिलिट्री यानी नाटो पर फोकस तो कर रहा था लेकिन अपनी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को भी बढ़ा रहा था, एक डेवलपमेंट पे भी फोकस कर रहा था। वहीं अपोजिट में यूएसए वहाँ कुछ नहीं कर रहा, यूएसएसआर कुछ नहीं कर रहा था, वो सिर्फ अपने वेपन्स को फोकस कर रहा था और ये देख रहा था कि हमारे साथ जो हमारे वो हैं, मतलब जो आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले हैं, उन कंट्रीज को हम अपने साथ मिलाएं, राइट। तो यहाँ कंडीशन थी, मैं आगे समझाऊंगी बच्चों की किस तरह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कुछ और कारणों से भी था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम पर्सनली भी और अपने नेशन के लिए भी, राइट, हमें यहाँ से लर्न कर सकते हैं कि यूएसएसआर ने जो इंटरनली जो मिस्टेक की थी, जो गलतियाँ की थी, वो आगे नुकसान हम अपनी लाइफ में भी ना करें और हम अपने नेशन के लिए भी ना कर सकें, राइट। तो ये चीज़ था। वाह, ये क्या है बेटा, मैं यूएसएसआर ब्रोकन टू, हाँ बताती हूँ, वो एक्चुअली अभी टॉपिक नहीं है, पहले तो हम इमर्ज देखेंगे, पहले तो कोल्ड वॉर के बारे में हम समझाएंगे। बीच बीच में देखिए, मैंने कहा ना कि इसलिए मैंने बुक को आपके सामने रखा है ताकि मैं आउट ऑफ पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, तो इसलिए बहुत नॉलेज को देने की कोशिश करती हूँ कि ना बच्चों को ये भी पता होना चाहिए, लेकिन मेन चीज़ जो मेन है अभी हम एनसीईआरटी पे जो बात कर रहे हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ तक तो देख लिया हिरोशिमा नागासाकी, और बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया अमेरिका को कि भी आपको ये सब नहीं करना चाहिए, राइट। एक और चीज़ मैं यहाँ आपको यहाँ और एक और बात समझाना चाहती हूँ बेटा कि जापान और जर्मनी तो युद्ध में हार ही चुके थे पूरी तरह से, और यूरोप और भी और अदर्स कंट्रियां भी, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बहुत बुरी तरह से झेलना पड़ा उनको, राइट। तो उसके बाद जो इनकी ये अमेरिका और सोवियत, जब इन दोनों में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया था कि कैसे सुपर पावर बना जाए, है ना, तो जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक वर्ड है यहाँ डेटरेंस, इसका मतलब है कि बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी है दोनों में,
ठीक है, कैपेसिटी है युद्ध करने की, वॉर करने की, एक दूसरों को अटैक करने की, बट यहाँ पर अटैक नहीं करेंगे, ये इसको डेटरेंस कहते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है 2 मार्क्स का, है ना बेटा, कि व्हाट इज मीनिंग, व्हाट इज डेटरेंस, है ना, ये हिंदी में इसको शायद अपरोध बोलते हैं, तो ये अपरोध क्या है। तो फाइन, तो यहाँ पर आप डेफिनेशन यहाँ से, ये वाला अपना, यहाँ पर अगर आपके पास बुक है तो यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं आप, राइट। आगे देखें तो ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आई बेटा कोल्ड वॉर के बारे में, और यहाँ मैंने बताया, और यहाँ देखिए एक छोटा सा पैराग्राफ है यहाँ पर, लिटिल बिट। तो यहाँ हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब्स जो डाले थे लिटिल बॉय और फैट मैन के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, तो प्लीज़ यू विल रीड आउट वेरी, मतलब अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत हमें नॉलेज मिलेगी, और देखो बेटा जितना पढ़ेंगे उतना बहुत अच्छा रहेगा। ये ठीक है, एंड यहाँ तक आपको समझ में आया, और आगे देखते हैं कि कैसे ये सुपर पावर और इमर्ज हुई, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि द इमर्ज ऑफ टू पावर्स ऑफ ब्लॉक्स। सो यहाँ देखिए, एक मैं आपको बच्चों कुछ बताना चाहूँगी कि टू सुपर पावर जो हैं वो, जैसे यूएसए और यूएसएसआर का हमने बात की, तो ये टू अलायंस सिस्टम बन गया। नविता, जैसे आपके नाम है ना बेटा, ऐसे ही इनका नाम रख दिया गया था, ये तो साइंटिस्ट से। प्रवीण, आप ना मेरे, मैं आपको बुलाना, पर यही तो प्रॉब्लम है प्रवीण की, मैं कोरोना वायरस की वजह से आप लोगों को अपने घर भी नहीं बुला सकती, अपने स्कूल में भी नहीं बुला सकती। तो आप जो कैमरा जो चल रहा है उसे बुक्स पे जो भी है, क्योंकि मैंने एक साइड से बुक भी पकड़ा हुआ है, एक साइड से मैंने, येस वेरी गुड, थैंक यू रूप, आप डेली क्लास में आया करो ताकि क्योंकि अगर बच्चे सामने से अगर क्वेश्चन पूछते हैं ना तो अच्छा, आप देखो उसे पढ़ना भी पड़ रहा है एंड देन उसके पास देखना भी पड़ रहा है, थैंक यू। वो हाँ, ले जो वॉर्म्स के नेम है भाई, लिटिल बॉय और फैट मैन, यस ये राहुल, बिल्कुल राइट राहुल, थैंक यू सो मच राहुल एंड रूप, येस कम बैक। तो जो सुपर पावर है टू अलायंस सिस्टम, हाँ, तो टू अलायंस सिस्टम ये क्या था, इसमें टू अलायंस बने, तो जो अपने नेवर्स कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने अलायंस, मतलब टू सुपर पावर जो यूएसए और यूएसएसआर के बारे में मैंने जो आपको बता रही थी, तो उन्होंने टू अलायंस बनाए। अलायंस मतलब होता है गठबंधन, ठीक है। एक कैपिटलिज्म यानी इसमें यूएसए ने बनाया नाटो, जो 4 अप्रैल 1949 में, ये अलायंस होता है बेटा, गठबंधन होता है अलायंस, तो अपने जो कैपिटलिज्म को फॉलो करेगा वो अलायंस, वो नॉन अलाइनमेंट में आएगा, नॉन अलाइनमेंट अलायंस में आएगा, और जो कम्युनिज्म को फॉलो करेगा वो वारसा पैक्ट यानी यूएसएसआर के पास आएगा। तो इन्होंने जो छोटे छोटे जो कंट्रीज़ थी या जो स्मॉलेस्ट कंट्री, उनके साथ ये अपने अपने जो आइडियोलॉजी वाले ग्रुप्स थे उनके साथ चले गए, और मेनली यहाँ पर ये जो ग्रुप बनाए गए थे, जो अलायंस बनाई गई थी, गठबंधन जो बनाया गया था, वो इसलिए भी बनाया गया कि अपने आप को कैसे सेफ रखा जाए इन सुपर पावर से। देखिए, जब आप कोई किसी अपने स्कूल में किसी को दोस्त बनाते हैं, कोई बहुत डेंजर बॉय है या किसी तरह का है, तो आप सोचते हैं कि नहीं, जब वो दोस्त हो जाता है तो हमें वो खतरा नहीं देता है, वो सोचता है नहीं, मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है। ऐसे ही अब आप देख ही रहे हैं हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमी को, इंटरनेशनल पॉलिटिकल को, तो कैसे कि जैसे अगर सुपर पावर जैसे अमेरिका है, तो या हम चाइना की हम अपने बात करें, तो जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके साथ हम क्यों मिलते हैं, जो छोटी कंट्रीज़ हैं, वो इसलिए बेटा कि ताकि दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारा वॉर ना हो। जैसे हमने सार्क बनाया, अब मैं थोड़ा सा डीपली ठीक है, हम लोग क्योंकि आप लोग पढ़ भी चुके होंगे कभी ना कभी, और या सुन भी लिया होगा आपने, तो जैसे सार्क हमने बनाया था 7 कंट्रियों को, अब तो 8 कंट्रीज़ ग्रुप हो गया ये, तो हम एक दूसरों को इसलिए बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम हमारे एक दूसरे के ऊपर अटैक ना कर सके, राइट। तो कुछ सुपर पावर जो कंट्रीज के साथ इसलिए भी अलायंस बना रहे थे, इस बार इसलिए भी नाटो में शामिल हो रहे थे ताकि दूसरों के साथ वो ना कर सकें, वॉर ना करें ये हमारे ऊपर, है ना। बिल्कुल नाटो, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया,
अंटार्कटिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. वेरी गुड, थैंक यू सो मच दिव्यांशी, बिल्कुल सही. और वारसा पैक्ट नाटो का 4 अप्रैल 1949 में जो बना था, ठीक है. तो यहाँ पर ये वेस्टर्न कंट्री, ये वेस्टर्न का था, ये वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंस, राइट फर्स्ट. और एक और आपको मैप देखिए यहाँ पर, बिल्कुल सही, ये फ्रॉम आर्मी, ये आर्मी है बिल्कुल. नाटो जो है, एक क्वेश्चन भी आता है नाटो जो है वो किस टाइप का ग्रुप है, तो इट इज फॉर आर्मी ग्रुप, राइट. वेरी गुड. एंड फाइनेंशियली सपोर्ट, बिल्कुल एक दूसरों को फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, स्मार्ट बच्चे फिर. अरे तो आप लोग तो वैसे ही पहले से पढ़े हुए हैं, मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको. बिल्कुल वेरी गुड बच्चों. सी दिस इज येलो नाटो एंड रेड वाला जो है वो है वारसा पैक्ट, राइट. सो नाटो में तो आपको सबको देखिए बिल्कुल कंट्री सामने सामने नजर आ रही है, ब्रिटेन और फ्रांस, स्पेन. और मैंने आपको स्पेन का भी स्टोरी बताया था कल, जो हम बातचीत कर रहे थे किसका, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस का, है ना. यस बिल्कुल, यूरोप, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड. यूरोप जो है कैन ज्वाइन सोवियत यूनियन, वेर. तो और एंड दिस, ये क्या है, ये वारसा पैक्ट, राइट. ये रहा ये बेटा, ये रहा अमन, ये आपका जो येलो पार्ट है ना वो नाटो है. नाटो का मतलब एक गठबंधन है, एक जैसे अलायंस होता है ना, हाँ एक अलायंस. तो उसमें ये ग्रुप्स हैं, ये सारे जो येलो येलो जो नज़र आ रहे हैं ये नाटो मिलिट्रीज हैं. मतलब हर कंट्री के लोग इसमें अपनी मिलिट्रीज भेजते हैं, और तब मिलिट्री, और उसमें हम एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है, थैंक यू रूप. एंड और ये रेड वाला जो है वो यूएसए, पोलैंड और ये सारे जितने भी रेड वाला है. तो आपसे 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा इसमें, और इसमें पूछा जाता है कि ऐसे आपको ए बी सी दे देंगे पॉइंट्स में, और इसमें आपसे पूछा जाएगा. चलो मैं पूछती हूँ आपसे, मैंने आपको ये मैप दे दिया, ब्लैंक मैप है ये, और मैं आपसे पूछती हूँ कि नाटो के मेंबर्स का कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं. तो या तो मैं आपको पॉइंट्स दे दूंगी, अगर ऐसा भी हो सकता है कि सीबीएसई आपको पॉइंट ना दे, तो आपने अपना बताना है. जैसे यहाँ पे मैं अपना ए ब्रिटेन लिखूंगी, बी फ्रांस लिखूंगी, वेस्ट जर्मनी लिखूंगी, राइट. वेस्ट जर्मनी नाटो में था, और जो ईस्ट जर्मनी था वो वारसा पैक्ट में था, ठीक है. इटली, बिल्कुल सही बोला है. तो और अगर मैं वारसा पैक्ट का पूछूं कि भी वारसा पैक्ट के मेंबर्स बताइए, तो आप पोलैंड बताएंगे, रोमानिया बताएंगे. तो यहाँ पर आप अपनी इस मैप को फुल मतलब फिल कर सकते हैं. तो 5 मार्क्स का है बेटा ये, राइट. एंड आगे देखिए, 1 मिनट, ये मैंने आपको जैसे अभी नाटो के बारे में बता रही थी, ये फुल नेम है. आपसे पूछा जाएगा फुल नेम ऑफ. अच्छा बेटा, आप ऐसे कीजिए, ये होमवर्क ही मान लीजिए अपना, तो आप नाटो की फुल फॉर्म लिखिए, आपके इसमें बुक में है ही, ठीक है. नाटो का और इमर्ज कब हुआ, तो ये कब स्टेबलाइज्ड हुआ था, तो 4 अप्रैल 1949. तो यहाँ पर 4 अप्रैल नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि 4 अप्रैल 1949 को इमर्ज हुआ था, राइट. एंड वारसा पैक्ट इज 1955, तो 14 मई 1955, राइट. तो ये आपका वारसा पैक्ट, तो ये ईस्टर्न होंगे. ईस्टर्न मतलब ईस्टर्न अलायंस वो होगा यूएसएसआर, राइट. एंड और ये जो है नाटो जो है वो होंगे आपके उसमें साउथ में, राइट. एंड आगे देखें तो और एक और मैं बताऊं, साउदर्न ईस्टर्न जो एशियंस थे वो आपके जैसे सेंटो और सीटो एंड सेंटो, ये भी अपने अलायंस इन्होंने ग्रुप्स बनाए. मुझे लग रहा है कि कैमरा थोड़ा ये रूप ठीक से आ रहा है ना, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ या तो आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है. हाँ चलिए, और देखिए
एक और था कि थर्ड जो कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइज अगर हम बात करें तो 1950s में क्या हुआ था जो USSR, क्योंकि चाइना की अगर मैं बात करूँ तो चाइना भी कम्युनिज्म है, बट 1969 में कुछ ट्रीटी एक ट्रीटी एरियाज़ को लेकर, थैंक यू सो मच, ट्रीटी को लेकर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक छोटा सा वॉर मान लीजिए 1969 में किया यूएसए और यूएसएसआर एंड चाइना के बीच में, वो ट्रीटी यानी बॉर्डर को लेकर कुछ एरिया को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हुई इन दोनों के बीच में, तो वहीं फिर इन्होंने देखा इमर्ज किया हमारे थर्ड नाटो, हमारे ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो बनाया, उन्होंने देखा कि हम ना तो यूएसए ना ही यूएसएसआर में मिलेंगे, तब यहाँ इमर्ज हुआ कि भी बेटा कैमरा, एक्चुअली मैं बोल भी रही हूँ और फ़ोन भी, आप रूप आपको तो पता है मेरे पास कितना स्मार्टफोन है, तो इसलिए फिर फ़ोन तो ऐसा आपको झेलना पड़ेगा, राइट. चलिए एंड दूसरी बात नॉन अलाइनमेंट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि किस तरह से छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं वो कैसे अदर, दीज आर अदर कंट्रीज़ या तो और अदर कंट्रीज जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं वो इस सुपर पावर कंट्रीज़ कि कैसे हेल्प की उन्होंने, और या सुपर पावर जो है इन छोटी छोटी इमर्ज कंट्रीज़ का, जो छोटी कंट्रीज़ है उनकी क्या हेल्प हो रही थी. तो ये हेल्प ये है इनका कि ये जो स्मॉलेस्ट कंट्री हैं वो बड़ी कंट्रीज़ को हेल्प दे सकती हैं, तो बड़ी कंट्रीज़ ने बड़ा सोच समझ के इन छोटी कंट्रियों को संभाला, अपने पास शामिल किया, क्योंकि ये सोच रहे थे कि अरे नहीं, इनको शामिल करना बहुत ज़रूरी है, अगर हम इन लोगों को शामिल कर लेते हैं तो उससे हमें ही फ़ायदा होगा. तो फ़ायदा कैसे कि छोटी जो स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ हैं उनके पास भरपूर नेचर ने बहुत कुछ दिया है, तो जैसे ऑयल है, मिनरल्स हैं, टैरिट जैसे मैंने आपको फर्स्ट ईयर आ, तो जैसे रिसोर्सेज हैं, जैसे ऑयल हैं, मिनरल्स हैं, ट्रीटीज़ हैं, तो ये सुपर पावर अपने उसको हेल्प कर सकते हैं, राइट. और नेक्स्ट है लोकेशन, बिल्कुल, जैसे अपनी मिलिट्रीज़ को वहाँ पर तैनात कर दीजिए, जैसे नाटो का वो उसका क्यूबा का हम कल एग्जांपल दे रहे थे, वारसा ये यूएसएसआर ने कैसे उस पर अपनी मिलिट्रीज़ बैठाए हुआ था, है ना, तो एक एक इससे एक एक, एक अपने आप कॉन्फिडेंस आता है कि दूसरी कंट्री को हम कैसे डिफिक्ट करते हैं, हरा सकते हैं, राइट. और दूसरी बात यहाँ मेरे बच्चों, हाँ, प्रोटेक्शन के लिए भी, बिल्कुल, प्रोटेक्शन, वेपन, वेरी गुड दिव्यांशी, प्रोटेक्शन के लिए, वेपन्स के लिए, इकोनॉमिकल हेल्प के लिए, बिल्कुल सही कहा आपने. और लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, जैसे और यूएसए ने क्या किया हुआ था, जैसे अफगानिस्तान पे अपनी मिलिट्री बैठा, अफगानिस्तान पे तो अब जाके हटाया 2008 में, और यूएसए ने इटली पर, और दूसरा बिल्कुल वियतनाम, अफगानिस्तान, बिल्कुल रोहित सही बता रहे हैं आप, और दूसरा इसमें इटली पर भी यूएसए ने, नॉर्थ इटली पर, एंड और दूसरा मैंने कल आपको टर्की पर भी अपनी मिलिट्रीज इन्होंने बैठाई हुई थी बेस्ड ऑन सुपर ब्लॉक्स, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं रूप, और इकोनॉमिकल सपोर्ट भी, वेरी, तो ये सब जो है ताकि एक दूसरों को ये हेल्प कर सकें, फाइन. तो ये था, और यस बच्चों, एक्चुअली मेरे पास अभी फ़िलहाल जो ब्लैक बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जैसे समझा सकूँ, और सिर्फ अगर मेरी अगर आवाज़ आपको ठीक से समझ में आ रही है और वॉइस क्लियर आ रही है और जो चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहे हैं तो गुड, और जिसको ठीक है, हाँ, इकोनॉमिकल यूरोपियन कंट्रीज़ को हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल. तो ये टू टॉपिक्स वी हैव डन, और बिल्कुल सही, और ये टू हमने दो टॉपिक्स जो हैं वो हमने बिल्कुल क्लियर कर लिए हैं. अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं ऋषि, बिल्कुल ठीक है. चलिए अभी वी हैव डन टू टॉपिक्स, राइट, और कल अगर आप मुझे मैप वगैरह अगर कुछ कर सकते हैं, तो जो मैंने आज आपको मैप के बारे में बताया था, ये वाला, तो आप कल मुझे अगर मैप बना के दिखा सकते हैं. एक क्वेश्चन, चलिए लिखिए आप, फुल फॉर्म ऑफ नाटो एंड वारसा पैक्ट,
एंड एक व्हाट इज कोल्ड वॉर, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. फुल फॉर्म ऑफ नाटो, ये आपका हो गया डन. और ये आप वारसा पैक, वारसा और वारसा मेंबर्स, जो वारसा पैक के मेंबर्स हैं वो मैप में शो करेंगे, नाटो में नाटो के जो मेंबर्स हैं वो शो करेंगे. अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप जैसे भी ड्रॉ करना चाहें किसी भी तरीके से, कि आप हेल्प मतलब किसी भी आप मुझे अपनी क्रिएटिविटी करके दिखाएं, राइट. जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने आज कहा कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो सॉरी हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो अपने मेडिसिंस को बनाएं, कोरोना वायरस को ख़त्म करें. ऐसे ही आप इस समय आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, सोर्स नहीं है, तो अपनी ये नाटो के मेंबर, व्हाट्सएप एक्ट के मेंबर्स आप बता सकते हैं. और हाँ बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कोई जो अब नाटो जो मैंने आपको बताया था 4 अप्रैल 1949 में जो बना था, तो 12 मेंबर्स थे बेटा उस दौरान ना, बट नाउ ऑन टुडे मतलब अगर आज हम प्रेजेंटली बात करें तो 30 मेंबर्स हो गए हैं, राइट. अभी 2020 में एक मेंबर बना है नॉर्थ मैसेडोनिया, इसमें 20 में बने हैं मेंबर ना नाटो के, क्लियर, राइट. मैसेडोनिया, राइट, हाँ ठीक है. तो आप इसे 30 मेंबर्स हो गए, तो हमारे सीबीएसई आप पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन कि अभी जो स्टार्टिंग में तो 49 में तो 12 मेंबर्स थे, और बट अभी ना अभी 13 मेंबर हैं, फाइन. और क्या है, और वारसा पैक्ट के 1945 में बना था, लेकिन 1 जुलाई 1991 में ये एंड हो गया था बेटा, क्योंकि उस समय तो कोल्ड वॉर भी मतलब ये डिसइंटीग्रेशन हो गया था यूएसएसआर का, तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी ख़त्म हो गया था. ठीक है, सबको समझ में आया, डन डन. थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट. कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो कंप्लीट करना, ठीक है. चलिए, ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, राइट, ओके, टेक केयर मेरे बच्चों.